नमस्कार, एंकवर में आप सभी का स्वागत है। तेज बारिश और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने सोमवार की शाम को दिल्ली को व्यापक रूप से प्रभावित किया। आंधी से सैकड़ों पेड़ उखड़ गए और यातायात बंधित हो गया। तेज हवा और बारिश के कारण 2 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। सड़क के साथ हवाई यातायात भी बंधित हो गया। प्रतिष्ठित जामा मस्जिद सहित वाहनों और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि 2018 के बाद से दिल्ली में गंभीर तीव्रता का यह पहला तूफान था। शहर में पिछले सोमवार को भी आंधी आई थी। राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में सोमवार को तेज हवाओं के साथ भारी बारिश से कई कारें क्षतिग्रस्त हो गई। सड़कों पर जाम लग गया, कई पेड़ उखड़ गए और बिजली गुल हो गई। बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव भी हो गया। राष्ट्रीय राजधानी में आंधी के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर कम से कम 5 उड़ानों का मार्ग परिवर्तित किया गया और 70 उड़ानों में विलंब आ गया। तो ऐसी ही खबरों पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।